नमस्कार, वक्त है हाई अलर्ट का। मैं हूं स्नेहलता। आज शुरुआत संस्कारी चोरों के शगुन के साथ। सही सुना आपने, ग्रेटर नोएडा में हुई लाखों की लूट ने सबको हैरान कर दिया। वजह है चोरी का वो अंदाज, जिसको देखने के बाद अब सब सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर चोरों के दिमाग में ऐसी क्या चीज सूझी होगी जो एक नोट अलमारी के लॉकर में छोड़ गए। कईयों का मानना है कि ये चोर बेहद संस्कारी हैं। क्या वाकई चोर संस्कारी हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। यह है संस्कारी चोरों का शगुन। जी हां, सही सुना आपने, आपकी टीवी स्क्रीन पर लॉकर में मौजूद ये 10 का नोट उन चोरों ने छोड़ा है जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में लाखों की लूट को अंजाम दिया। लेकिन जाते जाते अलमारी को शायद खाली छोड़ना उन्होंने वाजिब नहीं समझा, इसीलिए अलमारी के अंदर छोड़ गए ये 10 का नोट। ग्रेटर नोएडा, बीटा 1A289, लाखों की लूट। छोटी सी अलमारी में बिखरा हुआ सामान, टूटा हुआ ये लॉकर और लॉकर के अंदर से सब कुछ साफ। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। अलमारी के लॉकर में रखा लाखों रुपए का सामान शातिर चोर लेकर फरार हो गए। लेकिन जब सबकी नजर अलमारी में पड़े इस 10 के नोट पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि शायद पहले ये नोट वहां मौजूद नहीं था। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले विपुल शर्मा के घर चोरों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। यही वो खिड़की है जिसे तोड़कर चोर विपुल के घर दाखिल हुए थे। घर में मौजूद अलमारी पर उन्होंने हाथ साफ किया और जो मिला सब कुछ लेकर फरार हो गए। इस खिड़की को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी न किसी चीज से इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। लोहे की इन रॉड को उखाड़ा गया लेकिन इसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। चोर कितने शातिर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया कि खिड़की पर वार करने की बजाय उन्होंने उसे खोदना बेहतर समझा। लोहे की इस अलमारी को भी बेहद शातिर ढंग से तोड़ा गया। अंदर मौजूद लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनके घर के अंदर मौजूद हैं चोर जो उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। लॉकर को देखकर साफ लगता है कि किसी रॉड के जरिए उसे तोड़ने की कोशिश हुई है। घर में चोरी हो गई और यहाँ पे ऑफिस के करते टाइम देखा मैंने, खिड़की खुली हुई है, खिड़की के अंदर वो घुस गया चोर और अंदर हमारे पास दो अलमारी हैं, उसमें मेरे मदर फादर का गोल्ड का सामान, सिल्वर का सामान रखा हुआ था, वो सारा सामान चोरी करके ले गया। चोर अपना ये खिड़की से तोड़कर खिड़की से घुसा। कितने की करीब चोरी है? करीबन 3-3.5 लाख के आसपास की। कितने तोला सोना गोल्ड का, कितना सोना चांदी होगा टोटल? टोटल 3.5 लाख के आसपास का होगा। का नोट छोड़ गए हैं, क्या सोच के छोड़ गए होंगे? पता नहीं, उनको 10 के नोट की ऐसी कोई वैल्यू है नहीं मेरे हिसाब से। सुना आपने, विपुल शर्मा को भी इस बात की हैरानी है कि चोरों ने सोना, जेवरात और कैश पर हाथ साफ किया लेकिन इस 10 के नोट को वहां छोड़ दिया। हो सकता है कि शायद उनकी नजर में 10 रुपए की कोई कीमत ही ना हो, या फिर उन्होंने अलमारी को पूरा साफ करना वाजिब नहीं समझा। प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करने वाले इस घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार सुबह उन्होंने देखा तो कमरे की खिड़की टूटी पड़ी थी। जब दूसरे कमरे में पहुंचे तो अलमारी का पूरा सामान बिखरा हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि अलमारी में रखी कीमती चीजें गायब थीं, लेकिन चोरी करने आए चोर लॉकर में 10 रुपए छोड़कर चले गए। संज्ञान में आया है, चोरी की घटना हुई है, इसका शीघ्र ही हम लोग अनावरण करेंगे। वारदात की पूरी खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि ऐसी चोरी शायद उन्होंने पहली बार देखी है जहां चोर शगुन के 10 रुपए छोड़ जाते हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द वो शातिर उसकी गिरफ्त में होंगे जिन्होंने लाखों की इस लूट को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में ठगी का धंधा खूब चल रहा है। युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं, फर्जीवाड़े के गिरोह का नेटवर्क बेहद बड़ा है। कौशाम्बी से इस खुलासे के बाद अब सभी सन्न हैं। ठगों के इस गिरोह का नेटवर्क इतना तगड़ा था, ये युवाओं को फर्जी ट्रेनिंग तक कराते थे जिससे किसी को यह पता नहीं चलता था कि वो ठगी कर रहे हैं।
नियुक्ति पत्र, ट्रेनिंग, मेडिकल। जी हाँ, फर्जीवाड़े का ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कौशाम्बी से, जहाँ युवाओं को बेहतर रोजगार का सपना दिखाकर उनको ठगा जा रहा था। युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। कौशाम्बी में मौजूद था फर्जीवाड़े का ये पूरा नेटवर्क, जिसके दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है। नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी। फर्जीवाड़े की इस कंपनी से आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये शातिर कभी कहीं भी किसी को भी सुनहरे सपने दिखाकर ठग सकते हैं। इनका नेटवर्क और पकड़ इतनी मजबूत है कि ये शातिर फर्जी नियुक्ति पत्र तक जारी कर देते थे। इतना ही नहीं, नौकरी की फर्जी ट्रेनिंग तक करवाते थे। बेरोजगारों के साथ करोड़ों की ठगी। पुलिस की बेड़ियों में बंधे इन दोनों के नाम राहुल पटेल और सतवंत पटेल है। राहुल और सतवंत उस ठग गिरोह के सदस्य हैं, जिनका मकसद युवाओं के सपनों को ठगना था। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले राहुल और सतवंत को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए लेते थे, उसके बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि उनकी नौकरी एकदम पक्की हो चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग। यूपी के कौशाम्बी में इंटेलिजेंस और चरवा पुलिस की संयुक्त टीम ने रेलवे में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों को सपने दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के इन दोनों जालसाजों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इनके जरिए इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे लाखों बेरोजगारों को ठगी से बचाया जा सके। इन शातिरों के पास से पुलिस को रेलवे में ग्रुप डी के वैकेंसी फॉर्म भी मिले हैं। ये शातिर रेलवे के अलावा शिक्षा विभाग में भी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। कई फर्जी मोहर भी इन शातिरों से बरामद की गई है। कि नौकरी के नाम पे ठगी कर रहे हैं, इसमें मुकदमा पंजीकृत थाना चौवा में किया गया और इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने अन्य लोगों के भी नाम बताए हैं और जिसपे विवेचना की जा रही है। इनके पास से मोटरसाइकिल, फर्जी मुहर, फर्जी नियुक्ति पत्र और सिम कार्ड, ये सब बरामद हुआ है। और इन लोगों का जो तरीका यह था कि फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते थे और कैंडिडेट्स को विश्वास में लेने के लिए उसका फर्जी मेडिकल करवाते थे, यहाँ तक कि उसको ट्रेनिंग भी कराते थे, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनिंग भी कराते थे। और इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, अभी विवेचनात्मक कार्रवाई करके और भी लोगों का नाम प्रकाश में आता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सुना आपने, रेलवे में इनकी पकड़ का अंदाजा पुलिस के इस बयान से लगाया जा सकता है। दावा ये भी है कि ये शातिर बेरोजगारों को अपने जाल में फंसा कर ट्रेनिंग भी कराते थे, फर्जी मेडिकल करवा कर उन्हें यकीन दिलाते थे जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो असली है, और नौकरी के लालच में युवा इनके जाल में फंस जाते थे। ये तो सिर्फ दो चेहरे हैं। पुलिस का दावा है कि इनका गिरोह काफी बड़ा है। इनके गिरोह के लोग शायद अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। अब युवाओं को ऐसे शातिरों से अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि वक्त रहते आप अपने सपनों को ठगने से बचा सकें। अभिसार, कौशाम्बी, एबीपी गंगा। अब बात नायडू गैंग के कुख्यात गैंगस्टर की, जिसकी तलाश उस वक्त से थी जब शिव शक्ति नायडू का एनकाउंटर हुआ था। माना जा रहा था कि एनकाउंटर के वक्त रवि भूरा भी शिव शक्ति के साथ मौजूद था। शायद उसी वक्त उसकी किस्मत ने उसे वहां बचा लिया हो, लेकिन महज 3 दिन बाद उसकी किस्मत ने पलटी मारी। एक गोली ने सीधे उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, क्योंकि यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। क्या नाम भाई तुम्हारा? रवि भूरा। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में आया 1 लाख का इनामी शिव शक्ति का साथी रवि भूरा गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन का शिकार हुआ नायडू गैंग का शातिर और शिव शक्ति का राइट हैंड रवि भूरा। पुलिस से घिरा यही है वो रवि भूरा, जिसे शिव शक्ति नायडू का राइट हैंड माना जाता था, जिसकी गुनाहों की कुंडली बहुत बड़ी है। रवि भूरा नायडू गैंग की उस वारदात में शामिल था, जिसमें शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से 8 करोड़ की रकम लूटी गई थी। हाल ही में मारे गए डॉन शिव शक्ति नायडू का साथी और 1 लाख का इनामी रवि भूरा आखिरकार पुलिस के ट्रैप में फंसी गया। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ के बाद इनामी गैंगस्टर रवि भूरा को गिरफ्तार किया गया है। रवि भूरा, जिस पर मेरठ और दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं,
पुलिस को अरसे से इस कुख्यात गैंगस्टर की तलाश थी। नायडू गैंग के सरगना शक्ति नायडू को कुछ दिन पहले ही मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। कहा जा रहा था कि रवि भूरा भी उस वक्त वहां मौजूद था। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से हुई 8 करोड़ की लूट में भी रवि भूरा का नाम सामने आया था। रवि मलिक उर्फ भूरा, पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी 256 जीवन पार्क कॉलोनी, थाना अलीपुर, दिल्ली है, और इसके पास से एक क्रेटा गाड़ी भी बरामद हुई। ये लोग 30 तारीख को तिलकराज, शिवशक्ति नायडू, हनी, दो अन्य बदमाश तथा रवि ऋतुराज के रवि भूरा, ये ऋतुराज के ऑफिस में आए थे और वहाँ इनकी जो बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर हैं विपिन तथा एक प्रॉपर्टी डीलर विपिन चौधरी हैं जो निवासी शामली के हैं, लेकिन तिलकराज और विपिन चौधरी का ऑफिस आसपास है, तो उनको मारने के लिए ये लोग आए थे। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी को कुख्यात बदमाश रवि भूरा समेत कई बदमाशों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिला था। मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो फायरिंग होने लगी। इस दौरान 1 लाख के इनामी रवि भूरा को गोली लगी। पुलिस ने घायल हालत में रवि भूरा को दबोच लिया। वहीं उसके गिरोह के 3 अन्य सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। उस पे ललित नेगी ने ही मकोका लगाया था और लगभग उसके कारण उसको लगभग 4 साल तक जेल में बंद रहना पड़ा था। जो उस दिन मर्डर हुआ था उसमें ही नायडू के साथ ही रवि भूरा पे भी 1 लाख का इनाम था और ये शिवशक्ति के साथ मिलके इन लोगों ने, जैसा आपको पता है, लाजपत नगर में 8 करोड़ की लूट की थी तथा एक कांस्टेबल की, मुख्य आरक्षी की गोली मार के कड़कड़डूमा कोर्ट में हत्या की थी। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का कहर अपराधियों पर टूट रहा है। मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर पुलिस की गोली का शिकार हुआ तो वहीं अलीगढ़ में भी इनामी बदमाश देवू को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। रात का अंधेरा, मौके पर ये गाड़ी गवाह है यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की, जिसमें शातिर अपराधी देवू को दबोचा गया। ये वही देवू है जिसने दिन दहाड़े कैशियर को गोली मारकर 11.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। देवू पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को अरसे से इसकी तलाश थी। पुलिस ने शातिर को ओजोन सिटी के पास से ही घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। देवू पहले भी मथुरा से हत्या के मामले में जेल जा चुका है। उसी पे जब उसके पीछे लगी हुई थी टीम, उसी पे आज जो है सूचना मिली कि वो जो है मोटरसाइकिल से आ रहा है ओजोन सिटी की रोड पे, तो वहां पे जो है पुलिस की टीम, लोकल थाने की टीम गांधी पार्क की और एसओजी की टीम, दोनों वहां पे उसको रोकने का प्रयास किया, घेरने का प्रयास किया। उसी में से जो है उनके द्वारा फायरिंग की गई। उसी फायरिंग के रिटेलिएशन में अपने सेल्फ बचाव के लिए जब पुलिस टीम ने फायर की तो उसके पाँव में गोली लगी और अभी वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज उसको किया गया है और अभी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन लोग सम्मिलित थे। बाकी उसके पास से जो है तकरीबन 50,000 रुपए जो है उसके पास से मिले। उत्तर प्रदेश में खाकी अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस का एक्शन चेतावनी है उन अपराधियों के लिए जो अपने बिलों में छिपे बैठे हैं। उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरेंडर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कहते हैं दोस्ती बड़ा प्यारा रिश्ता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कभी दगा नहीं देता, लेकिन शायद महाराजगंज में इन शब्दों के मायने उस कातिल के दोस्त को तो कम से कम नहीं पता थे। महज 500 रुपए के लिए अपने जिगरी दोस्त को मौत के घाट उतार देना, उसने ये सिर्फ कहा था कि उधार के 500 रुपए की रकम कुछ दिनों में वो लौटा देगा, लेकिन उसकी बात कातिल दोस्त के समझ ही नहीं आई और उसने किया ऐसा गुनाह।
बह गया मुरा, एक दिन 20 मिनट में मर गया। हमारा सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। ये शख्स रो रो कर अपने भाई के कत्ल की कहानी बता रहा है कैसे दोस्ती का एक रिश्ता महज 500 रुपए के लिए खूनी खेल में तब्दील हो गया। बता रहा है कैसे 500 रुपए के लिए महाराजगंज में एक दोस्त कातिल बन गया। महाराजगंज का शाहपुर वो इलाका है जहां रामलाल और सतीश की दोस्ती के किस्से मशहूर थे। हाथों में हाथ डालकर गलियों में ये एक साथ सफर करते थे, लेकिन 500 रुपए के लिए दोनों के बीच खींची लकीर खूनी खेल में तब्दील हो गए। दोनों के बीच की दोस्ती एक गुनाह के रास्ते में जाकर खत्म हो गए। मैं और हमारे भाई थे तो उनसे 500 रुपये लिए थे सतीश से। तो सतीश की औरत आई दुकान पे, बोली कि क्या है 500 रुपया दो। तो ये बोले हम तुमको नहीं देंगे, वो सूद पे पैसा देते हैं सूद पे। तो बोले हम नहीं देंगे। तो रो के औरत बोली अभी मैं तुमको मार खिलाता हूँ। तो उसको फ़ोन किए तो आया, तो हमारा भाई चला गया था अपने मकान पे जहाँ हमारी गुरु भैंस बन्हा जाता है। फिर बाइक से गया उधर, उसको लाश से हाथ से मार दिया, फिर ऐसा चाटा मारा उसको, फिर यहाँ से खून आ गया, फिर लाश से उसको सीने पर हुंचा दिया। महज 500 रुपए के लिए सतीश ने अपने जिगरी दोस्त रामलाल का कत्ल कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। रामलाल के बेरहम कत्ल के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लहूलुहान राम की लाश को जिसने देखा उसके माथे पर सिर्फ खौफ था, क्योंकि महाराजपुर के थाना पुरंदरपुर में शायद ही किसी ने इतना खौफनाक मंजर इससे पहले देखा हो। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में रामलाल और सतीश आसपास में रहते थे। दोस्ती का रिश्ता किसी मजबूत दीवार से कम नहीं था। दोनों में आपस में खूब बनती थी, लेकिन एक दिन रामलाल ने सतीश से 500 रुपए उधार लिए और यहीं से शुरू हुआ खूनी खेल का वो किस्सा। रामलाल सतीश से लिए 500 रुपए नहीं चुका पाया, जिसके बाद आरोपी सतीश की पत्नी ने रामलाल से उधार की रकम मांगी। रामलाल ने पैसा लौटाने की बात कही, लेकिन सतीश को उसकी बात समझ नहीं आई। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सतीश ने रामलाल को लात घूसों से पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पता चला कि उसका दोस्त से कुछ 500 रुपए का उधारी को लेकर विवाद हुआ था कल रात को, और उसमें गाली गलौज और हाथापाई की बात भी इसमें बता रहे हैं। तो पुलिस द्वारा इसमें एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों के बीच दरार डाल देता है, और शायद यही हुआ महाराजगंज, जहाँ दोस्ती के रिश्ते का बेरहमी से कत्ल हुआ। भाई से बढ़कर एक दूसरे को प्यार करने वाला दोस्त महज 500 रुपए के लिए कातिल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया काला सच है। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हाई अलर्ट। गुनाह छोटी गलियों से निकलकर कब बड़े लेवल तक पहुंच जाता है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप देखें क्राइम डायरी। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एक प्रेम प्रसंग मामले में विवेक वर्मा को 5 दिन पहले लाया गया था। विवेक की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि थाना कैंपस के बाहर लगे एक पेड़ पर फांसी लगाकर विवेक ने आत्महत्या की है। वहीं परिजनों ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया है। आरोप है कि 5 दिनों से पुलिस ने विवेक को हिरासत में ले रखा था, तो आखिर वो थाने से कैसे निकलकर पास खेत में लगे पेड़ तक पहुंच गया। ये व्यक्ति है विवेक, इसके भाई ने तहरीर दी है हैदराबाद थाना क्षेत्र में कि एक मुकेश और उसकी पत्नी, वो दोनों इसको परेशान कर रहे थे। उसने बताया है कि पत्नी है जो उसने फंसाया, उसके बाद दोनों पति पत्नी इसके खिलाफ तरह तरह की बात करते थे,
जिसकी वजह से इसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। जो तहरीर है उसके आधार पर हैदराबाद थाने में मुकदमा अपराध संख्या 54/20 पंजीकृत कर लिया गया है। शामली में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस ने एक पिकअप के ड्राइवर को बेरहमी से पीट डाला, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी की साइड 112 नंबर की गाड़ी में हल्की सी लग गई, फिर तो पुलिस वाले आग बबूला हो गए और फिर ड्राइवर को गाड़ी से उतारकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस मामले में एबीपी गंगा के खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में प्रथम दृष्टया दुर्व्यवहार के ये दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से एक हेड कांस्टेबल है पुलिस विभाग में, जिसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, तथा दूसरा इसमें होमगार्ड है। जिला कमांडेंट होमगार्ड को इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है, तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।